हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर बात करूंगा TCS के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको TCS के बारे में क्या बात करूंगा। सबसे पहले TCS के बारे में मेरी व्यक्तिगत राय, दूसरा TCS का जो बायबैक का अनाउंसमेंट है जो 3 दिन पहले किया गया उस पर मेरी राय, आज जो TCS की फाइनल डिटेल्स जो हमारे पास है उसकी बात, और कुछ हद तक जो अभी रिजल्ट्स चल रहे हैं उसके उसकी बात। हालांकि रिजल्ट के लिए मैं आपको एक अलग जो है वीडियो शेयर करूंगा। देखिएगा, सबसे पहली बात TCS के बारे में मेरी राय, पहली बात तो ये है कि जो टाटा ग्रुप की बेहतरीन कंपनी है, एक नंबर कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतनी बेहतरीन कॉरपोरेट गवर्नेंस मैंने अपनी लाइफ के अंदर, इंडिया के अंदर किसी कंपनी में नहीं देखी है। तीसरी बात, इस कंपनी के अंदर अगर किसी के भी पोर्टफोलियो में नहीं है ये, तो ये समझिएगा कि उसका पोर्टफोलियो अधूरा है। तो इंडिया के किसी भी बेहतरीन इन्वेस्टर्स की अगर बात करेंगे, अगर वो लार्ज कैप स्टॉक रखता है, तो TCS के बगैर अधूरा है। बेहतरीन डिविडेंड यील्ड हर क्वार्टर में चीज़ें देते हैं, ट्रांसपेरेंट, बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपनी करती है, ट्रांसपेरेंसी बहुत जबरदस्त है। यानी कि मैं अगर किसी भी कंपनी के बारे में बात करूं इंडिया में, तो आप ये समझ लीजिएगा कि नंबर वन कंपनी मुझे TCS लगती है सभी पैरामीटर्स के ऊपर। देखिएगा, वर्किंग्स के ऊपर बात अलग होती है, लेकिन जो उसका बिजनेस है उससे रिलेटेड जो एनालिसिस है वो अलग होता है। तो मेरी राय में ये एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और जब भी मार्केट में गिरावट होती है और इसको ये अपने 52 वीक लो के आसपास ये शेयर्स मिलता है, ये जरूर से ज़रूर आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो में रखने की कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादा नहीं तो थोड़े शेयर्स ज़रूर रखने चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब बात करते हैं कि कंपनी बायबैक क्यों लेके आ रही है। देखिएगा, बायबैक की जब अनाउंसमेंट जो है सोमवार को हुई, तो वहाँ से शेयर्स काफ़ी अच्छा चल चुका है, और वहाँ से करीबन 10% शेयर्स में तेजी आ गई है। ये जब तेजी आई थी तो भी हमारे जो कुछ व्यूअर्स थे वो कह रहे थे कि सर अभी खरीदने के लायक है, तो क्योंकि वो सुबह ही 4 या 5% ऊपर था, तो मुझे इतना ही इसके अंदर पोटेंशियल जो है लगता था। लेकिन ये शेयर करीबन 8-10% चला है, अगर जो है अगर फ्राइडे की क्लोजिंग को अगर हम देखें, तो फ्राइडे थर्सडे की जो भी क्लोजिंग थी। अब यहाँ पर जो आपने समझना है वो क्या है कि कंपनी बायबैक लाई क्यों। ये वीडियो मैं आपके साथ ना 2 दिन पहले शेयर करने वाला था, जिस दिन मंडे को अनाउंसमेंट आई, लेकिन ये जो कंटेंट है तो मुझे लगा कि जब ये एक्चुअल में अनाउंसमेंट आ जाएगी तब बात करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखिएगा, ये जो बायबैक के पीछे का जो लॉजिक है वो समझिएगा। ये एक बेहतरीन कंपनी है जो कि ये समझती है कि उसको कितने कैपिटल की ज़रूरत है। TCS की कंपनी को पता है कि उसके पास जो अभी वर्तमान में कैपिटल है उसको इतने रुपए की कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, और उनका बिजनेस का साइज़ बहुत बड़ा हो चुका है। 10 लाख करोड़ के ऊपर ये कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन में जा चुकी है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो इनके पास जो कैपिटल है उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के साथ जो रिटर्न ऑन इक्विटी वो अभी पेश कर रही है आप लोगों के लिए, वो नहीं पेश कर पाएगी अगर उस पैसे को फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगी। तो उसको ये बात पता है कि ये जो सरप्लस फंड है ये शेयर होल्डर्स को वापस लौटा देना चाहिए। और इस शेयर होल्डर्स के पैटर्न के अंदर भी मैं आपके साथ बात करूं कि जो टाटा ग्रुप की जो कंपनीज हैं वही सबसे बड़ी जो है शेयर होल्डर्स हैं। तो ये जो पैसा है ये शेयर होल्डर्स के हाथ में वापस दे दिया जाना चाहिए, जिससे कि शेयर होल्डर अपने हिसाब से उस पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट कर सके। तो ये इनके पीछे लॉजिक है। तो उनको पता है कि हम इस एक्स्ट्रा पैसा जो भी हमारे पास है उसको हम अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो हमारे डिजायर्ड लेवल ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी है वो नहीं ले पाएंगे, जिससे कि हमारे शेयर्स की वैल्यू बाद में जाके घटे। उससे बढ़िया ये है कि हम अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन करें और जो सरप्लस कैपिटल है वो शेयरहोल्डर्स के हाथ में दे दें। यानी कि कंपनी को खुद अपनी कंपनी के अंदर ओवर कैपिटलाइजेशन लग रही है, इसलिए जो है वो आपको बायबैक कर रही है। कभी आप ये सोच रहे हो कि कंपनी को ऐसा लगता है कि उसका शेयर अंडर वैल्यूड है, ऐसा नहीं है। मोस्टली जो बायबैक उन केसेस में भी होता है जहां पर कि शेयर्स अंडर वैल्यूड होते हैं, तो कंपनी की मैनेजमेंट उस लिए भी बायबैक करती है। बट यहां पे जो मुझे केस लगता है वो रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ है, क्योंकि कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छा डिविडेंड भी ये पे करते हैं। अभी भी आज इन्होंने 5 रुपए का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ। तो ये बात मैंने आपको बताई कि रैशनल क्या है इस कंपनी में निवेश करने के लिए। अभी जो प्राइस आ चुके हैं, मेरी खुद की नॉलेज से, ये हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो प्राइजेस अभी हैं मुझे इन प्राइजेस पर जो है अभी जो है करेक्शन जो है लगती है कि यहां से करीबन 100-200 रुपये की करेक्शन अभी आ सकती है शेयर प्राइस के अंदर। और मुझे इसलिए भी लगता है क्योंकि
ये जो बायबैक का अनाउंसमेंट है, तो ये बायबैक उतना बड़ा नहीं होगा जितना पहले था, क्योंकि पहले भी अगर सेम अमाउंट का बायबैक भी ये करते थे तो 2,2100 रुपये के शेयर प्राइस थे जब 2,100 रुपये पे इन्होंने बायबैक किया था, जो इससे पिछला बायबैक किया था। तो यहाँ पर एक सीधी सी बात, अब बायबैक कर रहे हैं 3,000 रुपये पे, तो ये सिंपल सी बात है, तो उतना बड़ा बायबैक नहीं होगा, तो बायबैक का साइज छोटा होगा। तो यहाँ पे जो मेरे कंसर्न है वो रिटर्न ऑन इक्विटी संबंधित है, लेकिन कंपनी कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा करती जा रही है, अपनी जो भी उसके पास कैपिटल बच रही है उसके ऊपर, तो लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ क्रिएट करने वाला जो स्टॉक है उसके अंदर भी आप इसको शुमार कर सकते हैं। लेकिन भाव भगवान है जो मैं आपके साथ बात करता हूँ, तो जो करेक्शन है उसका इंतजार करिए, और कभी आपको नीचे के प्राइस पे मिले तो, और मार्केट में सब चीज़ें मिलती हैं, बस आपको अपना धैर्य बना के रखना पड़ता है, और उस समय जब चीज़ें खराब होती हैं तब आपको खरीदने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये तो थी बात मेरी इसके बायबैक के रैशनल के बारे में, क्यों बायबैक किया जा रहा है, बायबैक की क्या सच्चाई है। अब इसकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। अगर डिटेल की बात करें तो ये जो कंपनी है ये 1.42% जो इक्विटी है ये बायबैक करने जा रही है, यानी कि 1.42% अगर बायबैक पर अगर इक्विटी हो रही है, तो आप ये समझिएगा कि ये जो इक्विटी है ये काफ़ी जो है आपको छोटी लगेगी बायबैक के नज़रिए से। 1.42 यानी कि करीबन 5.33 करोड़ शेयर्स ये बायबैक करेंगे, और बायबैक का प्राइस है 3,000। इसका मतलब है कि जिन लोगों के पास 70 शेयर्स होंगे उनका एक शेयर बायबैक में जाएगा 70 शेयर के बदले में। तो अभी जो 2,700 रुपये पे शेयर चल रहा है, तो 300 रुपये का गैप है, 300 रुपये का गैप आपको तब मिलेगा जब आप 70 शेयर खरीद के रखोगे। और अभी भी इसमें जो बायबैक की जो नॉर्मल प्रोसीजर है, जो सेक्शन 68, 69 एंड सेक्शन 70 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली होगी, तो उसके हिसाब से अभी शेयर होल्डर्स के जो अप्रूवल्स हैं वो लेने पड़ेंगे। हो सकता है कि ये पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो है ले लिए जाएंगे, तो कंपनी ने ऐसी अनाउंसमेंट की है कि यानी कि वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से ले लिया जाएगा स्पेशल रेजोल्यूशन से, वो बड़े आराम से मिल जाने, क्योंकि कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो मेजरली टाटा ग्रुप्स के पास है। दूसरा रैशनल और है कि जो है सायरस मिस्त्री को भी जो है पैसा देना है इन्होंने वो टाटा ग्रुप से जो एग्जिट करने के लिए, तो हो सकता है कि वहाँ पर भी जो है इनको एक अच्छी जो है ये 16,000 करोड़ में से अब 70% तो देखिएगा टाटा सन्स के पास ही जाएगा, तो कुछ जो है फाइनेंसिंग भी जो है ग्रुप के अंदर हो जाएगी। तो मुझे ये भी रीजंस लगता है कि जो बायबैक के जो बाकी रीजंस हैं उनके साथ साथ, तो यहाँ पर जो बायबैक प्राइस है 3,000 रुपये ये टेंडर के थ्रू होगा, यानी कि प्रोपेशनेटली जो स्टॉक एक्सचेंजेस का जो टेंडर प्रोसीजर्स है उसके थ्रू जो है बायबैक करेंगे, यानी कि जिन लोगों के पास भी शेयर्स होंगे जिस दिन वो रिकॉर्ड डेट आएगी उस रिकॉर्ड डेट को जो टीसीएस का शेयर्स रखेगा, तो उसके 70 शेयर्स अगर होंगे तो उसका एक शेयर वो टेंडर कर सकता है। हालांकि कर तो 70 के 70 सकता है, लेकिन 70 में से एक या दो शेयर, एक शेयर्स की रेशियो निकलती है, मैं आपको बताऊँ 70.44 पर 1 रेशियो निकलती है, तो यानी कि सामने मोटा मोटा ले लिया 70 पर 1 शेयर, तो ये जो रेशियो है ये कहीं पर भी आज की डेट में जो है अट्रैक्टिव नहीं है। दूसरी बात जो है, मैंने आपके इसका रिजल्ट से रिलेटेड बात तो जो है हम करेंगे ही, लेकिन देखिएगा 72% होल्डिंग टाटा ग्रुप के पास ही है इसकी, तो ये इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है कि कहाँ पर है, और रिटेल के पास 3.33% है, क्लियरिंग मेंबर 0.08 है, और बॉडीज कॉर्पोरेट NBFC के पास 0.5 है, तो काफ़ी जो है ये हिस्सा है। अब TCS ने जो बायबैक है 5.33 करोड़ का जो है अनाउंस किया, 16,000 करोड़ जो है इसके अंदर पैसा कंपनी खर्च करेगी, और इससे पहले भी जो है 2100 के भाव से जो है उन्होंने 2018 के अंदर बायबैक किया था जो कि 16,000 करोड़ का था, लेकिन तब देखिएगा 7.61 करोड़ बायबैक हो गए थे, अब 5.33 है। तो यहाँ पर मैंने वही आपके साथ बात बोली कि इतना फेवरेबल नहीं है जितना पिछले वाला था। अब TCS के जो रिजल्ट्स हैं वो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन है, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट दिए हैं, लेकिन आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट 7% डाउन है, प्रॉफिट 7% डाउन है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के ऊपर प्रॉफिट काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आप इसको कि यहाँ पर ये जो प्रॉफिट जो आपको हाई लग रहे हैं, अगर जो प्रॉफिट राइज किए हैं 4.9 ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस टू नेट प्रॉफिट ऑन 8.43, तो पिछला क्वार्टर जो है लो बेस वाला था जहाँ पे लॉकडाउन था, तो जिसकी वजह से आपको ये प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहे हैं, तो पिछले साल के मुकाबले से अगर आप कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट आपको डेफिनेटली रिड्यूस नज़र आ रहे हैं। तो मैंने आपके साथ जो बात बोली थी कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उस कैपिटल एम्प्लॉयड का उस इक्विटी का आप कैसे अच्छे से यूज़ करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है कंपनी की मैनेजमेंट भी समझती है,
तो ये जो बायबैक के अंदर आपको टेंडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब रिकॉर्ड डेट आएगी तो उससे पहले आप उस शेयर्स को खरीद के टेंडर कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा, आप 70 शेयर्स पर एक शेयर्स की जो है टेंडरिंग बनेगी रेशियो के हिसाब से। तो अगर आपके पास कम शेयर हैं तो हो सकता है आपका बायबैक में जाए ही नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनियाँ एक शेयर्स भी होते हैं तो उसको बायबैक में ले लेती हैं। तो लेकिन उसमें भी ज़्यादा कुछ बनना नहीं है, ब्रोकरेज लगनी है, आपके डीमैट में से पैसे अगर एक शेयर्स भी लोगे तो डीमैट के चार्जेस लग जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा जो है अभी जंप इसके अंदर आएगा। और अब इसके शेयर प्राइस पर जो मेरी राय है वो मैंने आपको पहले भी जो है दूसरी वीडियो जो शेयर की उसमें भी बोला, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है TCS के अंदर 100 से 150 रुपये तक की जो है करेक्शन जो है ड्यू है यहाँ पर आ सकती है। यानी कि जो राइज आया था उसका आधा, जो राइज जो पिछले 3 दिन में आधा राइज जो है वाइप आउट होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो रिजल्ट्स को देखें या रिटर्न ऑन इक्विटी के पैरामीटर्स को देखें। बाकी तो देखिएगा मार्केट है वही डिसाइड करेगी, बट मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन और इसी रीज़न से जो मैंने अभी मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपके साथ शेयर की तो मैंने उसमें भी बोला कि 11,800 पर आपको एक स्टॉक रेजिस्टेंस मिलेगा और कल जो है वीकली एक्सपायरी जो है नीचे की तरफ होने की संभावना है। तो इन सारी बातों के साथ जो मैंने भी आपके साथ की, आप मुझे अपना जो है व्यू जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, खराब लगी हो तो आप डिसलाइक भी दे सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप डिसलाइक ना करें, तो उससे क्या होता है कि हम लोग डीमोटिवेट होते हैं। तो बढ़िया ही है कि आप अगर अच्छी लगे तो कम से कम लाइक जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।